अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं शामी टिक्कियाँ। इसके लिए हमें चाहिए होगा चने की दाल, जो कि मैंने पहले ही 2 घंटे पहले भिगो के रख दी थी। इसके बाद मैंने इसका सारा पानी जो है वो ड्रेन आउट कर दिया। दाल में से सारा पानी मैंने निकाल लिया अच्छी तरह से वॉश करके। वॉश करने के बाद कुछ इस तरह से लगती है ये। अब मैंने इसमें 3 कप्स पानी डाला। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने सारा पानी निकाल कर फिर मैंने 3 कप्स इसमें वाटर ऐड किया। इसके साथ ही 3 कप पानी के बाद हम डालेंगे इसमें 1 अदद प्याज, थोड़ा सा लहसुन और अदरक, हरी मिर्चें, थोड़ी सी ड्राई फॉर्म में है ये, और ये भी मैंने इसमें ऐड कर लिया। अच्छा जी, अब इसमें ये हम सारी चीज़ें ऐड करेंगे, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें जाएगा नमक, आप अपने हिसाब से डाल लें, जितना भी आपको डालना है, जितना भी ऐड करना है आपको। मैंने 1 स्पून डाला था इसमें, 1 स्पून से थोड़ा सा कम। फिर मैंने ड्राई चिलीज़ डाल दी है छोटी वाली, 5 से 6 अदद आप जो है वो डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा 1 टेबल स्पून। इसके बाद मैंने डाला है इसमें काली मिर्च डाली है, इतनी सी बस आपको डालनी है इसमें। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे ये बादियान के फूल हैं, ठीक है, ये मैंने 2 ऐड कर दिए। इससे बहुत अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस भी आती है और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आता है। इसमें मैंने दालचीनी 1 टुकड़े को मैंने छोटे छोटे पीसीज में कट करके वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद ये तेज़पत्ता, इसमें मैंने 2 ऐड कर दिया ये। इसमें अब जाएगी हल्दी 1 टेबल स्पून। अच्छा, इसके साथ मैंने अब इसमें एक आलू ऐड किया, ठीक है, इसमें पोटैटो एक ऐड किया, अच्छी तरह से छील कर काट कर इसमें डाल दिया। इससे बहुत अच्छा इसका सॉफ्ट जो है टिक्कियाँ बनेंगी आपकी, टूटेंगी नहीं, और जब आप फ्राई करोगे बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आएगा इसका, सॉफ्ट भी होंगी। और इसमें हम डालेंगे बोनलेस चिकन। बोनलेस चिकन डालने के बाद अब हम फ्लेम ऑन करेंगे और उस पर हम इसको रख देंगे। तकरीबन 15 मिनट्स तक मैंने इसको कुक किया था, 15 मिनट्स ढक कर इसको ढक देंगे और अच्छे तरीके से इसको कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे। मीडियम फ्लेम पे जब मैंने इसको कुक किया तो 15 मिनट आफ्टर इस तरह से कुछ इसकी शक्ल आई सामने। मैंने इसको मिक्स किया, अभी थोड़ी सी दाल में थोड़ी सी दाल में थोड़ा सा कच्चापन था, मैंने इसको अच्छे से थोड़ी सी मैंने और लो फ्लेम कर कर इसको पकाया। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है, अब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा सब कुछ। इसको मैंने थोड़ी देर और पकाया, पकाने के बाद अब आप देखिए कि इसकी किस तरह से जो है वो शक्ल सामने आएगी। चलिए जी, अब ये देखें, अभी इसकी कुछ इस तरह से लुक आई है और ये इस तरह से सब कुछ जो है वो गल चुका है, चिकन भी गल चुका है, पोटैटो भी, और मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करूँगी और फिर इसको कूट लेंगे हम अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से कूटने के बाद आपने इसको देखना है, इसमें फिर आपने थोड़ा सा धनिया और पुदीना कटा हुआ और हरी मिर्चें ऐड कर देनी है इसमें। फिर आपने एक अंडा लेना है, उसको आपने तोड़कर इसमें डाल देना है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और आपने इसकी अच्छी सी शक्ल में टिक्कियां बना लेनी है। ये बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब ना तो आपकी टिक्कियाँ टूटेंगी और ना ही आपको कोई प्रॉब्लम होगी इसको फ्राई करने में।
अच्छे से इसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जी तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। आप जिस शेप में भी बनाना चाहें, मीन्स आपको छोटी बनानी है या बड़ी बनानी है, आप उस शेप में इसको बना सकते हैं। मैंने इसका नॉर्मल साइज़ ही रखा था, तो अब आप देखें कि कुछ इस तरह से मैंने इतने साइज़ में इसकी जो है वो टिक्कियाँ बना ली हैं। अब ये टिक्कियाँ बनाने के बाद आप देखें, आपको जितनी भी चाहिए आप उस हिसाब से बना सकते हैं, छोटी या बड़ी, आपको जिस भी साइज़ में, मैंने इस साइज़ में बनाई थी इसलिए ये चेक करें। इस तरह से इसको मैंने अच्छे से बना लिया। बनाने के बाद अब कुछ इस तरह से इसकी काफ़ी सारी टिक्कियाँ जो हैं वो रेडी हो गई हैं, शामी कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब मैंने घी को थोड़ा सा पैन में गर्म किया, उसके बाद टिक्कियों को मैंने अब फ्राई करना शुरू किया। अब थोड़ा सा अंडा जो है उसको हैंड कर उसमें आप इसको टिक्कियों को रोल करके या फिर आप इसको जो है वो फ्राई कर सकते हैं, डिप करके, सॉरी, आप इसको फ्राई कर रहे हैं। फ्राई करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कुछ शक्ल कितनी प्यारी और कितनी क्रिस्पी है। ये बहुत ज़्यादा, लेकिन ना तो ये टूटेंगी क्योंकि मैंने इसमें एक आलू ऐड किया था। अब ये देखें फाइनल इसकी ये लुक है। इसको लाजमी ट्राई करें आप, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि किस तरह की आपकी शामी कबाब जो हैं वो किस तरह के बने। भेजिए फाइनल लुक इसकी आ गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी इशू हो या कुछ भी आपको पूछना हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, आई विल रिप्लाई यू। नो दिस इज़ रेडी, आई एम गोइंग टू ईट इट। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।